बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका दोनों ही भंसाली की फिल्म पद्मावती में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही इस फिल्म की पहली पसंद नहीं है? जी हाँ, हम एकदम सही कह रहे हैं। दरअसल भंसाली की पद्मावती के लिए फर्स्ट चॉइस सलमान और ऐश्वर्या थे, लेकिन दोनों के ब्रेकअप के बाद ये फिल्म बन नहीं सकी। बताया जाता है कि भंसाली ने दोनों को ब्रेकअप के बाद भी ये फिल्म ऑफर की थी, लेकिन तब भी ये बात नहीं बन पाई। दरअसल हुआ यूं कि जब भंसाली ने आश को फिल्म करने को बोली तो वो राजी हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी। बता दें कि आश ने भंसाली को कहा कि फिल्म में सलमान को अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाना होगा, तभी वो इस फिल्म में काम करेंगी। अरे भाई, आश ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक भी सीन फिल्माया नहीं जाना था। जहां ऐश इस शर्त पर फिल्म में काम करने के लिए राजी हुई, तो वहीं सलमान ने सीधा ही ऐश के साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद बड़े पर्दे पर एक और सुपरहिट जोड़ी आती आती रह गई। बता दें कि अब इस फिल्म में रणवीर, दीपिका और शाहिद कपूर हैं। भंसाली के डायरेक्शन में बन रही पद्मावती इस साल नवम्बर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।